मंकू ने गाड़ी सफाई की। गुड मॉर्निंग मंकू। गुड मॉर्निंग गाइस। और ये रही खुशी घुसने के लिए, देखिए कितनी मेहनत कर रही है। आज मेरे साथ धन के दौर है, बड़े बुरे फंसे आज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हैं, हम निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई, एक दिन के लिए जो बुखार आया उससे यार शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही है। वैसी तो कोई दिक्कत है नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है जो कि बुखार वगैरह के बाद आ जाती है। और ये है हमारी खुशी। खुशी कहाँ जा रही है, गाड़ी में घूमने? आज टिल्लू तो स्कूल निकल गई है, कब्बू अभी सो रही है और खुशी अकेली है। छोटी सी भाई से सुबह 5 बजे जग जाती है और उसके बाद में इसी तलाश में रहती है कि बड़े पापा कब गाड़ी लेके जाएंगे, तो गाड़ी में घूमने निकलूंगी। ये हमारी गाड़ी है, गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। आज मेरा बेटा जो है मंकू, उसने गाड़ी की साफ़ सफाई की है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से मथुरा जंक्शन के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं एक और नए ब्लॉग को, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। यह है हमारा मंकू। मंकू ने गाड़ी सफाई की। गुड मॉर्निंग मंकू। गुड मॉर्निंग गाइस। और ये रही खुशी घुसने के लिए, देखिए कितनी मेहनत कर रही है। छोटी सी है लेकिन अब अपने आप ही घुस जाती है गाड़ी में। अरे नहीं, देखो भाई, मैं तो सोच रहा था कब्बू सोई हुई है, लेकिन कब्बू पहले से ही गाड़ी में आके बैठी है। तू कब आ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पहले ही आ गई है कोई। ये आ गई खुशी। गुड मॉर्निंग खुशी। हाँ, तो गाइस सुबह का पहला चक्कर लग गया और आ गए बांके बिहारी मंदिर के लिए। पार्किंग पे आके खड़ा हो गया, सवारी चली गई है। अपने दिन की शुरुआत अच्छी हो गई है। अब यहाँ से वही रोजाना की जिम्मेदारी जो होती है कि मथुरा वापसी की सवारियाँ देखनी है, वही देखूंगा। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा लेकिन सवारियाँ मिल जाएंगी। आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा तो काम अच्छा रहती है, कि उम्मीद हमेशा ही रहती है फ्राइडे को। बस काम देखना बाकी है। सवारियाँ निकल गई, मैंने मिलवाया नहीं था क्योंकि 4-5 जगह की मिक्स थी। मैंने क्या मिलवाऊँ यार, किस किस का इंट्रोडक्शन दिलवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं सवारी मथुरा के लिए। परसों से यहाँ फंस गया था, पूरा पानी में भीग गया, बुखार भी आ गया। परसों मेरी बहुत हालत खराब हुई थी, भयंकर पानी पड़ा था परसों यार। भाई सुबह 9:30 बजे के आए हुए, तब से लेके अभी तक यहीं पे फंसे हुए। आज मेरे साथ धन के दौर है, बड़े बड़े फंसे आज। तो बाकी बिहारी से यार मथुरा के लिए सवारी नहीं मिल रही है, काफी देर से खड़े हुए और मेरे से पहले ही खड़ा है अंकित। तो कितने बजे आया था तू यहाँ पे? 9:30। ये 9:30 बजे आया, मैं 9:45 बजे के करीब में आया हूँ। दोनों भाई जब से इंतजार करने में लगे हुए, अभी 11:30 हो चुके हैं। अब यहाँ से यार इतनी दूर खाली जाना अच्छा नहीं लगता मथुरा तक। देख रहे हैं अब, वैसे भी मंदिर क्लोज होने का टाइम हो गया तो सवारियाँ तो निकलेंगी, जब इतना देर खराब कर दी है तो और थोड़ा सा टाइम सही। और भाई आज 2 दिन से जो ठंडा मौसम बना हुआ था ना, आज बार बार धूप निकल रही है और बहुत तेज वाली निकल रही है। तो जो ठंडा मौसम था और जो आनंद आ रहे थे 2 दिन से, वो सब खराब हो चुके हैं। आनंद क्या, मैं तो बीमारी बढ़ गया था, बुखार आ गया था, लेकिन फिर भी ठंडक अच्छी होती है गर्मी से। फिर दोबारा से धूप निकल आई है, वही गर्मी वाला मौसम हो गया। ऐसे मौसम को कहते हैं बरसातों में। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी, अब बारिश आ गई, तो खांसी जुकाम बुखार के लिए पूरा परफेक्ट मौसम बना रखा है ऊपर वाले ने। इस समय डॉक्टरों की खूब सुन रहा है भाई। गाइस आज का दिन बड़ा ही अजीब सा गुजर रहा है यार। सुबह के टाइम में एक ही चक्कर लगा के घर जाना पड़ गया था क्योंकि काम ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किलों से तो वृंदावन का चक्कर लगा था और उसके बाद भाई कुछ मिला ही नहीं। काफ़ी देर स्टेशन पर भी बैठा था, हार थक के घर चला गया। अब आराम करके दोबारा से वापस आया हूँ। अब देखते हैं शाम के टाइम में कैसा रहेगा। फिलहाल सवारियाँ तो कुछ दिख नहीं रही हैं, 2-4 हमारे ड्राइवर साथी हैं जो कि इधर उधर फड़फड़ाने में लगे हुए हैं। वैसे मैं भी फड़फड़ाने में लगा हुआ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं शांति से खड़ा हूँ भाई। कोशिश तो मेरी भी है जल्दी से कोई सवारी मिल जाए, काम लगे तो कहीं चलें। गाइस रात के 11 बजे हुए हैं, मोबाइल पे भाई जब से लगा हुआ था मैच देखने में, वो क्या जबरदस्त मैच हुआ है यार। पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार कुटाई की, केवल 8 ओवर में 90 रन ठोक डाले। और भाई वापसी में जो रोहित शर्मा ने आज उड़ाया है ना, 4 चौके 4 छक्के, गदर ही डाल दिया। हालांकि बाकी के बैट्समैन कोई खास कर नहीं सके, लेकिन अकेले रोहित शर्मा ही काफ़ी पड़े उनके लिए मैच में। और लास्ट का जो टच दिनेश कार्तिक का था, 1 छक्का 1 चौका, आए हाय दिल खुश हो गया भाई। जो डाटा फूंका है ना, पूरा का पूरा डाटा वसूल करा दिया दोनों बैट्समैनों ने। बहुत मज़ेदार मैच रहा। और काम का सुबह के टाइम में 1 ही चक्कर लगाया था वृंदावन का, उसके बाद घर आया आराम किया और शाम को गया नल्ले बैठ बैठ के चले आए। 5 बजे गया था और 9:30 बजे के करीब में घर वापस आया हूँ। कुछ भी नहीं किया, 1 रुपये का भी भाई। शुक्रवार का दिन था, उम्मीद थी कि अच्छा दिन जाएगा, लेकिन जैसा कि चल रहा है श्राद्धों का, अब 2 दिन की बात हो रही है यार, श्राद्ध खत्म होने वाले हैं। 25 तारीख को श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, उसके बाद नौ दुर्गे खत्म होने के बाद दशहरा जो आता है लास्ट में जाके, वहीं से काम हमारा लैब पकड़ता है, ऊपर को आना शुरू होता है।
तो सबके सब उसी इंतजार में है, और जो भी जैसा भी मिल रहा है उसी में सबर करके वापस घर आ जाते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ मिलेगा, कल नहीं तो परसों कुछ मिलेगा। इसी पे ज़िंदगी चलती है, उम्मीद पे। तो मेरी भी ऐसे ही चल रही है, आपकी भी ऐसे ही चल रही है, और सबकी ऐसी चल रही है। बस जो मिले खुश रहिए, बंसी वाले को धन्यवाद कीजिए, आराम से खाना खाइए और सो जाइए। और बस आज का ब्लॉग भी कई दिनों की तरह छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग है नहीं, क्योंकि सुबह से काम की लय नहीं बन पाई थी तो ब्लॉग की भी लय नहीं बन पाई। मेरा पूरा दिन मेरे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि काम अच्छा चल रहा है तो ब्लॉग भी अच्छा बनेगा, और काम थोड़ा सा पिछड़ने लगता है ना तो फिर ब्लॉगिंग भी पिछड़ने लगती है भाई। सीधी सीधी है, पूरी की पूरी कनेक्टिविटी जेब से होती है, क्योंकि परिवार को चलाना है, और जब जेब का खर्चा कम पड़ने लगता है ना तो दिमाग आउट होना लगता है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ भी ऐसी समस्या बनी हुई है जो सबके साथ है। तो बस थोड़ा सा एडजस्ट किया करो भाई के साथ। अभी इनकम सोर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्योंकि गाड़ी की मेरी EMI पे चल रही है भाई, कहीं से भी करके कैसे भी करके, चाहे मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ फाइनेंस तो मुझे भरना ही पड़ेगा, वरना पेलेंटी पे पेलेंटी। तो थोड़ा सा दिमाग ऑफ हो जाता है जिस दिन काम नहीं हो पाता है, इसलिए छोटा सा ब्लॉग है। बस गाइस उम्मीद यही करता हूँ कि छोटा सा भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।